मैनपुर सीट पर डिंपल के खिलाफ इस दिग्गज मंत्री को उतार सकती है भाजपा। दिल्ली हाईकमान में टिकट फाइनल। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही भाजपा ने सपा के गढ़ों में प्रत्याशी चुनने की पहेली को सुलझा लिया है। शनिवार रात को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को हाईकमान ने अचानक दिल्ली बुलाया था। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए पर्यटन मंत्री का नाम पहले से टिकट के दावेदारों में आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी बुधवार तक मैनपुरी और फिरोजाबाद दोनों सीटों के प्रत्याशी घोषित कर सकती है। फिरोजाबाद में पिछड़ा वर्ग दांव पर खेला जाएगा। मैनपुरी माना जाता है सपा का गढ़। मैनपुरी लोकसभा सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। बीते 10 चुनावों से सपा सबको पराजित कर रही है। इसी वजह से फिरोजाबाद में भी सपा मजबूत मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है, जबकि फिरोजाबाद में अक्षय यादव प्रत्याशी हैं। डिंपल यादव ने मुलायम सिंह के निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी, जबकि अक्षय यादव 2019 में फिरोजाबाद सीट पर हार गए थे। भाजपा इस बार फिरोजाबाद सीट पर कब्जा बरकरार रखने के साथ मैनपुरी के सपाईगढ़ को ढहाने के दावों में जुटी है। हालांकि अब तक प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं हुए हैं। बीते 2 माह से नामों पर मंथन चल रहा है। मैनपुरी सीट के लिए डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, सफी परिवार के दामाद अनुजेश प्रताप, पूर्व प्रत्याशी प्रेम सिंह शाह आदि के नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। पार्टी खेल सकती है छतरी दांव। बीते दिन चुनावों से भाजपा शाह के प्रत्याशी उतार रही है, परंतु जीत तक नहीं पहुंच पाई है। इससे पहले 2014 में भाजपा ने छतरी चेहरे पर दांव खेला था। अब माना जा रहा है कि पार्टी एक बार फिर छतरी को ही मैदान में उतारने जा रही है। शनिवार शाम को पार्टी नेतृत्व ने जयवीर सिंह को दिल्ली बुलाया था। बताया जा रहा है कि उनकी चुनावी तैयारी के संकेत दे दिए गए हैं। वहीं फिरोजाबाद में बीते चुनाव में छतरी प्रत्याशी के तौर पर चंद्रसेन जादौन को लड़ाया गया था। इस बार फिरोजाबाद में छतरी चेहरों के साथ यादव समाज से भी टिकट को मजबूत दावेदारी हो रही है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के पुत्र अतुल प्रताप सिंह, हरिओम यादव सहित कई चेहरे दौड़ में हैं। बताया जा रहा है कि मैनपुरी में छतरी प्रत्याशी लड़ाने की सूरत में फिरोजाबाद से पिछड़े को मौका दिया जाएगा। इसमें यादव समाज को तरजीह देने की संभावना प्रबल मानी जा रही है। हालांकि अब प्रत्याशी के इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। संगठन को भी चुनावी तैयारी और कमजोर बूथों की सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। संभावना है कि 10 अप्रैल तक प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।